The Incredible Hulk film, 2008 Marvel Studios film. The Incredible Hulk 2008 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र हल्क पर आधारित है। मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित यह मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स MCU की दूसरी फिल्म है। इसे लुईस लेट्रियर ने जैक पेन की पटकथा से निर्देशित किया था और इसमें एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर की भूमिका निभाई थी। उनके साथ लिव टाइलर, टिम रोथ, विलियम हट, टिम ब्लेक नेल्सन, टाय बुरेल और क्रिस्टीना कैबोट भी थे। फिल्म में ब्रूस बैनर गामा विकिरण के माध्यम से सुपर सोल्जर कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करने की सैन्य योजना में एक अनजाने मोहरे के रूप में हल्क बन जाता है। यूनिवर्सल की 2003 की फिल्म हल्क को मिले जुले स्वागत के बाद मार्वल स्टूडियोज ने चरित्र के अधिकारों को दोबारा हासिल कर लिया, हालांकि यूनिवर्सल ने वितरण अधिकारों को बरकरार रखा। लेट्रिया, जिन्होंने मार्वल के लिए आयरन मैन का निर्देशन करने में रुचि व्यक्त की थी, को शामिल किया गया और पेन ने एक ऐसी पटकथा पर काम करना शुरू किया जो कॉमिक्स और इसी नाम की 1978 की टेलीविजन श्रृंखला के बहुत करीब होगी। अप्रैल 2007 में नॉर्टन को बैनर को चित्रित करने और पेन की पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया। उनकी पटकथा ने फिल्म को श्रृंखला के रीबूट के रूप में पेश किया, इसे नए संस्करण को अपनी पहचान देने के लिए 2003 की फिल्म से दूर रखा। नॉर्टन को अंततः उनके लेखन के लिए श्रेय नहीं दिया गया। फिल्मांकन जुलाई से नवंबर 2007 तक हुआ, मुख्य रूप से टोरंटो में, न्यूयॉर्क शहर और रियो डी जेनेरो में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ द इनक्रेडिबल हल्क का प्रीमियर 8 जून 2008 को कैलिफोर्निया के यूनिवर्सल सिटी में गिब्सन एम्फीथिएटर में हुआ था और इसे MCU के पहले चरण के हिस्से के रूप में 13 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। इसे अपने एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली और इसे 2003 की फिल्म की तुलना में बेहतर माना गया, लेकिन इसकी गहराई की कमी के कारण आलोचना की गई। फिल्म ने दुनिया भर में $265.50 मिलियन की कमाई की। नॉर्टन ने फिल्म के अंतिम संपादन पर मार्वल से असहमति जताई और 2012 में द एवेंजर्स से शुरू होने वाले भविष्य के MCU कंटेंट के लिए बैनर की भूमिका में मार्क रफालो को बदल दिया गया। कथानक, वर्जीनिया के कल्वर विश्वविद्यालय में जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस अपनी बेटी बेटी के सहकर्मी और प्रेमी डॉक्टर ब्रूस बैनर से एक प्रयोग के बारे में मिलते हैं, जिसके बारे में रॉस का दावा है कि इसका उद्देश्य मनुष्यों को गामा विकिरण से प्रतिरक्षित करना है। प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के सुपर सोल्जर कार्यक्रम का हिस्सा, जिसे रॉस फिर से बनाने की उम्मीद करता है, विफल हो जाता है। गामा विकिरण के संपर्क में आने से बैनर कुछ समय के लिए हल्क में बदल जाता है, जब भी उसकी हृदय गति 200 बीट प्रति मिनट से ऊपर हो जाती है। हल्क लैब और आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, जिससे अंदर कई लोग मारे जाते हैं और जनरल और बेटी और बाहर के अन्य लोग घायल हो जाते हैं। बैनर अमेरिकी सेना और रॉस से भगोड़ा बन जाता है, जो हल्क को हथियार बनाना चाहता है। 5 साल बाद बैनर अपनी बीमारी का इलाज खोजते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरो के रोसिन्हा में एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करता है। इंटरनेट पर वह गुमनाम रूप से मिस्टर ब्लू के नाम से जाने जाने वाले एक सहयोगी के साथ सहयोग करता है। वह नियंत्रण रखने में मदद के लिए योग तकनीक सीख रहा है और 5 महीनों में उसका रूप नहीं बदला है। बैनर की उंगली कट जाने के बाद उसके खून की एक बूंद बोतल में गिरती है, जिसे अंततः मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में एक बुजुर्ग उपभोक्ता पी लेता है, जिससे उसे गामा बीमारी हो जाती है। बैनर को ट्रैक करने के लिए बोतल का इस्तेमाल करते हुए रॉस उसे पकड़ने के लिए एमिल ब्लॉन्स्की के नेतृत्व में एक विशेष बल टीम भेजता है। बैनर हल्क में बदल जाता है और ब्लॉन्स्की की टीम को हरा देता है, लेकिन ब्लॉन्स्की बच जाता है। रॉस द्वारा ये समझाने के बाद कि बैनर हल्क कैसे बना, ब्लॉन्स्की एक समान सीरम की थोड़ी मात्रा का इंजेक्शन लेने के लिए सहमत होता है, जो उसे बढ़ी हुई गति, ताकत, चपलता और उपचार शक्तियां देता है, लेकिन साथ ही उसके कंकाल को विकृत करना शुरू कर देता है और उसकी निर्णय क्षमता को कम करता है। बैनर कल्वर विश्वविद्यालय लौटता है और बेटी के साथ फिर से मिलता है। बैनर पर रॉस और ब्लॉन्स्की की सेना द्वारा दूसरी बार हमला किया जाता है, जिसकी भनक बेटी के संदिग्ध प्रेमी लियोनार्ड सैमसन को लगती है, जिसके कारण बैनर फिर से हल्क में बदल जाता है। विश्वविद्यालय के बाहर होने वाली लड़ाई रॉस की सेना के लिए निरर्थक साबित होती है और वे पीछे हट जाते हैं, हालांकि ब्लॉन्स्की, जिसकी मानसिकता डगमगा रही है, हल्क पर हमला करता है और उसका मजाक उड़ाता है। हल्क ब्लॉन्स्की को गंभीर रूप से घायल कर देता है और बेटी के साथ भाग जाता है। हल्क के बैनर में वापस आने के बाद वह और बेटी भाग जाते हैं और बैनर मिस्टर ब्लू से संपर्क करता है, जो उन्हें न्यूयॉर्क शहर में मिलने का आग्रह करता है। मिस्टर ब्लू वास्तव में सेलुलर जीव विज्ञानी डॉक्टर सैमुअल स्टर्न है। स्टर्न्स ने खुलासा किया कि उसने बैनर के रक्त के नमूनों को संश्लेषित किया है, जिसे बैनर ने ब्राजील से भेजा था, ताकि इसकी असीमित क्षमता को दवा में इस्तेमाल किया जा सके। हल्क की शक्ति सेना के हाथों में जाने के डर से बैनर रक्त की आपूर्ति को नष्ट करना चाहता है। एक स्वस्थ ब्लॉन्स्की बैनर को हिरासत में लेने के तीसरे प्रयास के लिए रॉस की सेना में शामिल हो जाता है। वे सफल होते हैं और बैनर और बेटी को एक हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। ब्लॉन्स्की पीछे रह जाता है और स्टंस को बैनर के खून का इंजेक्शन लगाने का आदेश देता है, क्योंकि वह हल्क की शक्ति का लालच करता है।
प्रयोग ब्लॉन्स्की को एबोमिनेशन में बदल देता है, एक ऐसा प्राणी जिसका आकार और ताकत हल्क से भी ज्यादा है। वह स्टंट्स पर हमला करता है, जिसके माथे पर बैनर का कुछ खून लग जाता है, जिससे वह भी उत्परिवर्तित होने लगता है। एबोमिनेशन हार्लेम में उत्पात मचाता है। यह महसूस करते हुए कि हल्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो एबोमिनेशन को रोक सकता है, बैनर रॉस को उसे छोड़ने के लिए मना लेता है। वह रॉस के हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जमीन पर गिरने के बाद बदल जाता है। हार्लेम में एक लड़ाई के बाद हल्क एबोमिनेशन को लगभग एक चेन से गला घोटकर हरा देता है, लेकिन बेटी की दलील सुनने के बाद उसकी जान बख्श देता है और एबोमिनेशन को रॉस और उसकी सेना को गिरफ्तार करने के लिए छोड़ देता है। बेटी के साथ एक शांतिपूर्ण पल बिताने के बाद हल्क न्यूयॉर्क से भाग जाता है। एक महीने बाद बैनर ब्रिटिश कोलंबिया के बेला कूला में है। अपने परिवर्तन को दबाने के बजाय वह एक मामूली मुस्कुराहट के साथ नियंत्रित तरीके से बदलना शुरू कर देता है। बाद में टोनी स्टॉक एक स्थानीय बार में रॉस के पास जाता है और उसे सूचित करता है कि एक टीम बनाई जा रही है। कास्ट: ब्रूस बैनर के रूप में एडवर्ड नॉर्टन, कल्वर यूनिवर्सिटी में एक परमाणु भौतिक विज्ञानी और जैव रसायनज्ञ, जो गामा विकिरण के संपर्क में आने के कारण क्रोधित या उत्तेजित होने पर एक विशाल हरे रंग के मानव राक्षस में बदल जाता है। नॉर्टन की कास्टिंग से पहले डेविड डिचोवनी इस फिल्म के लिए सबसे आगे थे, जबकि इस भूमिका के लिए लुइस लेट्रिया की मूल पसंद मार्क रफालो थे, जो बाद में भविष्य में मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स एमसीयू फिल्मों में बैनर की भूमिका निभाएंगे। गेल एनीहड ने प्राइमल फियर और फाइट क्लब में नॉर्टन के द्वंद्व के चित्रण को याद किया, जबकि नॉर्टन ने केविन फीगे को बिल बिक्सबी की याद दिला दी, जिन्होंने टीवी श्रृंखला में बैनर की भूमिका निभाई थी। बिक्सबी के साथ हल्क की भूमिका निभाने वाले लू फेरिग्नो ने टिप्पणी की कि नॉर्टन एक समान काया और समान व्यक्तित्व रखते हैं। नॉर्टन हल्क के प्रशंसक थे, उन्होंने पहली कॉमिक उपस्थिति बिक्सबी टीवी शो और कॉमिक पर ब्रूस जोन्स के काम को चरित्र के अपने पसंदीदा चित्रण के रूप में उद्धृत किया। उन्होंने शुरू में इस भूमिका को ठुकरा दिया, याद करते हुए कि वहां एक विंस्पेक्टर या रक्षात्मक हिस्सा था जो इस बात से पीछे हट जाता है कि ये क्या होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि पिछली फिल्म लोगों के लिए परिचित कहानी से बहुत दूर चली गई थी, जो एक भगोड़ा कहानी है। जब वे लेट्रियर और मार्वल से मिले तो उन्हें उनका दृष्टिकोण पसंद आया और उनका मानना था कि वे परियोजना का मार्गदर्शन करने के लिए उनकी ओर देख रहे थे। इस प्रकार नॉर्टन ने स्क्रिप्ट को फिर से लिखा। लेट्रियर ने कहा, एडवर्ड की स्क्रिप्ट ने ब्रूस की कहानी को वास्तविक गंभीरता दी है। बेशक मैं सबसे वयस्क निर्देशक नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम एक सुपरहीरो फिल्म बना रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ 13 साल के लड़कों को आकर्षित करे। एड और मैं दोनों सुपरहीरो को नए ग्रीक देवताओं के रूप में देखते हैं। लू फेरिग्नो हल्क के रूप में गायन प्रदर्शन प्रदान करते हैं। 2008 के न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन लेट्रिया के दौरान सार्वजनिक रूप से फेरिग्नो को फिल्म के लिए हल्क की आवाज देने का मौका दिया। ये तीसरी बार है जब फेरिग्नो ने हल्क का किरदार निभाया है। इससे पहले उन्होंने 1996 की एनिमेटेड सीरीज में भी इस किरदार को आवाज दी थी। मूल रूप से फिल्म के अंत में हल्क की एकमात्र पंक्ति बेटी थी जो उसका पहला शब्द होता। लेट्रिया को पता था कि प्रशंसक चाहते थे कि वह सामान्य रूप से बात करे और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दो और हल्क स्मैश को जोड़ा, जिसे एक स्क्रीनिंग के दौरान लोगों ने तालियां बजाकर सराहा। फेरिग्नो ने फिल्म में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में भी कैमियो किया है, जिसे बैनर ने पिज्जा देकर रिश्वत दी है। लिव टायलर बेटी रॉस के रूप में एक सेलुलर जीव विज्ञानी और ब्रूस की पूर्व प्रेमिका, जिससे वह अपनी स्थिति के परिणाम स्वरूप अलग हो जाता है। टायलर स्क्रिप्ट में प्रेम कहानी से आकर्षित हुई और मानवता और बैनर जिस दौर से गुजर रही है के कारण टीवी शो की प्रशंसक थी। उसे अपने घर जाते समय भूमिका के बारे में बुलाया गया और उसने स्क्रिप्ट पढ़े बिना एक दिन बाद ही भूमिका स्वीकार कर ली। टायलर और नॉर्टन ने ब्रूस और बेटी के हल्क बनने से पहले के जीवन पर घंटों चर्चा की। उसने कहा कि इस भाग को फिल्माना बहुत शारीरिक था, जो मजेदार था, और अपने प्रदर्शन की तुलना हेडलाइट्स में फंसी हिरन से की, क्योंकि बेटी ब्रूस की अप्रत्याशित वापसी से सदमे में थी। टिम रोथ एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन के रूप में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल मरीन कमांडो में एक रूसी मूल का अधिकारी, जिसे रॉस को उधार दिया जाता है, जो हल्क की शक्ति की लालसा में विभिन्न सीरमों के इंजेक्शन लगाता है जो उसे हल्क जितना ही शक्तिशाली एक कंकाल के करीब मानव राक्षस में बदल देते हैं। रोथ ने कहा कि उन्होंने अपने बेटों को खुश करने के लिए ये भूमिका निभाई, जो कॉमिक बुक सुपरहीरो के प्रशंसक हैं। किशोरावस्था में रोथ 1970 के दशक की टीवी श्रृंखला के प्रशंसक थे और उन्हें लेट्रियर के विचार बहुत गहरे और बहुत दिलचस्प लगे। रोथ ने भूमिका की तैयारी के लिए 2003 की फिल्म देखना शुरू किया, लेकिन बंद कर दिया क्योंकि वह इसकी गुणवत्ता को लेकर विवाद में नहीं फंसना चाहते थे। लेट्रियर रोथ के काम के प्रशंसक थे और उन्हें लगा कि एक सामान्य कॉकनी लड़के को सुपरहीरो बनते देखना बहुत अच्छा है, लेकिन मार्वल और नॉर्टन शुरू में उन्हें कास्ट करने के लिए अनिच्छुक थे। पनिशर वॉर जोन में कास्ट किए जाने से पहले रे स्टीवेंसन इस भूमिका के लिए चर्चा में थे। रोथ ने दो विशेषज्ञों के साथ बंदूकें चलाना और कमरों में घुसना सीखकर इस भूमिका के लिए तैयारी की।
रोथ को पीछा करने वाले दृश्यों को शूट करना कठिन लगा, क्योंकि ब्लोंस्की की उम्र बढ़ने को दिखाने के लिए वह व्यायाम नहीं कर सकते थे। उन्हें विशेष रूप से हॉर्नेट्स से खींचे जाने पर दौड़ना मुश्किल लगा, जिसका उपयोग इंजेक्ट किए गए ब्लोंस्की की 30-40 मील प्रति घंटे की दौड़ने की क्षमता दिखाने के लिए किया गया था। सिरिल राफेल्ली ने रोथ के कुछ स्टंट किए। रोथ को मोशन कैप्चर पसंद आया, जिसने उन्हें फ्रिंज थिएटर की याद दिला दी और उन्होंने राक्षस की हरकत को चित्रित करने में सहायता के लिए प्लेनेट ऑफ द एप्स से अपने प्रशिक्षक को काम पर रखा। रोथ को 3 और फिल्मों के लिए साइन किया गया। विलियम हट थेरियस रॉस के रूप में बेटी के पिता और एक अमेरिकी सेना के जनरल जिन्होंने हल्क को पकड़ने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। लेट्रियर ने हट को इसलिए कास्ट किया क्योंकि इस फिल्म में रॉस अधिक शारीरिक, अधिक विस्फोटक है और कोई भी अभिनेता विलियम की तरह शून्य से 100 तक नहीं जाता है। उन्होंने रॉस की तुलना कैप्टन अहाब से की। हल्क हट का पसंदीदा सुपरहीरो था और उनका बेटा भी इस किरदार का बहुत बड़ा प्रशंसक है। हट ने प्रोडक्शन को स्टूडियो फिल्म की विशिष्ट शुद्ध चिंता से बहुत अलग पाया, इसे एक स्वतंत्र फिल्म के समान पाया। उन्होंने रॉस को हल्क की अंतरात्मा से अपमानित के रूप में वर्णित किया। वह वास्तव में देखता है और पहचानता है कि यह उसकी खुद की तुलना में अधिक विकसित है, भले ही वह अपने देश के लिए एक देशभक्त और योद्धा है। उसने उस उद्देश्य के लिए बहुत बलिदान दिया है, लेकिन कई बार अपनी मानवता की कीमत पर, जिसे वह कभी कभी पुनः प्राप्त करता है। जून 2015 में जब इस बात पर विचार किया गया कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में उनका प्रतिशोध इस फिल्म से कैसे अलग था, तो हट ने कहा, मैंने द इनक्रेडिबल हल्क के लिए जो बनाया वह एक रॉस था जो ग्राफिक उपन्यास प्रकार की चीज से बिल्कुल अलग था, जहां वह एक तरह से राक्षसों की तरह ही एक कार्टून था। उसका अहंकार उतना ही बड़ा था और उसकी समस्याएं भी उतनी ही बड़ी थी। मैंने वास्तव में जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने पहले एक जनरल रॉस बनाया था जिसने उसे मानव राक्षस बनाकर राक्षसों के लिए एक सत्यता पैदा की थी। मैंने मेकअप और अतिरंजित व्यवहार और इस तरह की चीजों और एक नियंत्रित मनोविकृति पर वास्तव में कड़ी मेहनत की। सैम इलियट ने 2003 हल्क फिल्म से भूमिका को दोहराने में रुचि व्यक्त की थी। टिम ब्लेक नेल्सन सैमुएल स्टंस के रूप में सेलुलर जीव विज्ञानी जो बैनर की स्थिति के लिए एक संभावित मारक विकसित करता है। फिल्म के अंत में स्टंस को किसी पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है जो लीडर में उसके परिवर्तन की शुरुआत करता है। नेल्सन को भूमिका को फिर से निभाने के लिए साइन किया गया। टाई बुरेल लियोनार्ड सैमसन के रूप में एक मनोचिकित्सक जो ब्रूस की अनुपस्थिति के दौरान बेटी के साथ रिश्ते में है। बुरेल ने 2003 में नॉटन के साथ ऑफ ब्रॉडवे नाटक बंदिस में अभिनय किया था और जब लेट्रियर उनसे मिले तो उन्होंने बुरेल को 2004 के डॉन ऑफ द डेड रीमेक के झटके के रूप में पहचाना, जो कि नॉटन द्वारा इसे फिर से लिखने से पहले सैमसन को स्क्रिप्ट में चित्रित किया गया था। क्रिस्टीना कैबोट कैथलीन स्पार के रूप में एक मेजर जो थेरियस रॉस की निजी सहायक है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फिल्म के अंत में टोनी स्टॉक के रूप में एक बिना श्रेय वाली कैमियो की है, जो एमसीयू फिल्म आयरन मैन 2008 से भूमिका को दोहराता है। डाउनी मार्वल स्टूडियोज के एक पक्ष के रूप में दिखाई दिए, जिसे उन्होंने मार्वल की ओर से एक स्मार्ट कदम के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि जब वह अपनी फिल्म का प्रचार कर रहे थे तो उन्हें उनके अन्य प्रोडक्शन का भी उल्लेख करना होगा। हल्क के सह निर्माता स्टेनली एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कैमियो करते हैं जो बैनर के खून से जहरीला सोडा पीने से बीमार हो जाता है। माइकल के विलियम्स एक हार्लेम दर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। ये भूमिका उनके लिए नॉटन द्वारा लिखी गई थी, जो द वायर के प्रशंसक हैं। पॉल सोल्स, जिन्होंने 1966 की द मार्वल सुपर हीरोज एनिमेटेड श्रृंखला में बैनर की आवाज दी थी, इसके अतिरिक्त दिवंगत बिल बिक्सबी अपने टीवी कॉमेडी ड्रामा द कोर्टशिप ऑफ एडीज फादर के एक दृश्य में एक टेलीविजन पर दिखाई देते हैं, जिसे बैनर फिल्म की शुरुआत में देख रहे हैं। रिक्सन ग्रेसी की ब्रूस बैनर के मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में एक छोटी सी भूमिका है। ग्रेसी की ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें एक एकेडो प्रशिक्षक के रूप में श्रेय दिया जाता है। ब्राजीलियाई अभिनेत्री डेबोरा नासिमेंटो एक पेय पदार्थ कारखाने में बैनर की सहकर्मी मार्टिना के रूप में एक कैमियो करती है। पीटर मेंसा जनरल रॉस के सैन्य मित्रों सहयोगियों में से एक जनरल जो ग्रेलर के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। हल्क के सहायक पात्र जिम विल्सन और जैक मैकगी, इस किरदार को पूर्वव्यापी रूप से रोजर हैरिंगटन के रूप में प्रकट किया गया था, जो एमसीयू फिल्मों स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 में स्टार की भूमिका थी, जैसा कि मई 2019 में फीगे द्वारा पुष्टि की गई थी। उत्पादन विकास आंगली की हल्क की रिलीज के बाद पटकथा लेखक जेम्स शेमस एक सीक्वल की योजना बना रहे थे, जिसमें ग्रे हल्क की कहानी जारी रहेगी। वह खलनायक के रूप में लीडर और एबोमिनेशन पर भी विचार कर रहे थे। मार्वल एबोमिनेशन को चाहता था क्योंकि वह जनरल रॉस के विपरीत हल्क के लिए एक वास्तविक खतरा होगा। हल्क के फिल्मांकन के दौरान निर्माता एवी अराद ने मई 2005 की नाटकीय रिलीज की तारीख का लक्ष्य रखा था। The 18th of January 2006 को अराद ने पुष्टि की कि मार्वल स्टूडियोज द इनक्रेडिबल हल्क के उत्पादन बजट के लिए पैसा प्रदान करेगा यूनिवर्सल वितरण के साथ,
क्योंकि यूनिवर्सल ने सीक्वल फिल्माने की समय सीमा को पूरा नहीं किया था। मार्वल को लगा कि फ्रेंचाइजी को जारी रखने के लिए आंग ली की शैली से हटना बेहतर होगा। निर्माता गेल एनीहड ने भी महसूस किया कि फिल्म को वह सब कुछ मिलना चाहिए जो हर कोई कॉमिक्स पढ़ने और टीवी सीरीज देखने से उम्मीद करता है। प्री प्रोडक्शन। लुई लेट्रिया, जिन्होंने बचपन में टीवी सीरीज का आनंद लिया और पहली फिल्म को पसंद किया, ने आयरन मैन फिल्म रूपांतरण को निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की थी। जॉन फेवरो ने वह प्रोजेक्ट लिया था, इसलिए मार्वल ने उन्हें हल्क की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया। लेट्रिया अनिच्छुक थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वेली की शैली को दोहरा पाएंगे, लेकिन मार्वल ने समझाया कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। लेट्रिया की प्राथमिक प्रेरणा जेफ लोएब और टिम सेल की हल्क ग्रेट चरित्र की पहली उपस्थिति की पुनर्कथन थी। उन्होंने प्री प्रोडक्शन के दौरान पिन अप किए गए हर कॉमिक बुक पैनल को, जो उन्होंने ब्राउज किए गए कई कॉमिक्स से लिया था, अंतिम फिल्म में दोहराया। लेट्रिया ने कहा कि उन्होंने ब्रूस बैनर के अपने भीतर के राक्षस के साथ संघर्ष को दिखाने की योजना बनाई है, जबकि फीगे ने कहा कि फिल्म इच्छा पूर्ति के तत्व अन्याय या धमकाने वाले पर काबू पाने और उस ताकत को पाने की कोशिश करेगी जिसका आपको एहसास नहीं था कि आपके अंदर है। अराद ने यह भी कहा कि फिल्म ब्रूस बैनर और बेटी रॉस के बीच की प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा होगी। मई 2006 में अराद ने स्वतंत्र निर्माता बनने के लिए मार्वल स्टूडियो छोड़ दिया। चूंकि जब द इनक्रेडिबल हल्क के लिए डील हुई थी तब वे स्टाफ में थे, इसलिए उन्होंने फिल्म पर निर्माता का श्रेय बरकरार रखा। 59। जैक पेन, जिन्होंने 1996 में पहली फिल्म का मसौदा लिखा था, ने कहा कि यह फिल्म हल्क का अनुसरण करेगी, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ये टीवी शो और ब्रूस जोन्स की कॉमिक पर आधारित फिल्म से ज्यादा मिलती जुलती होगी। उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट की तुलना एलियन से की, जो एलियन से बहुत अलग फिल्म थी लेकिन फिर भी उसी निरंतरता में थी। उन्होंने अपनी 1996 की स्क्रिप्ट से दो दृश्य शामिल किए। परिवर्तन को गति देने के लिए बैनर एक हेलीकॉप्टर से कूदता है और उसे एहसास होता है कि वह बेटी के साथ यौन संबंध बनाने में असमर्थ है। 2006 में स्टूडियो द्वारा किसी अन्य पटकथा लेखक के ट्रीटमेंट को अस्वीकार करने के बाद पेन ने अपनी फिल्म द ग्रैंड को बढ़ावा देने के लिए 2007 की शुरुआत में प्रस्थान करने से पहले 3 ड्राफ्ट लिखे। उस अप्रैल में नॉटन ने बैनर की भूमिका निभाने के लिए चर्चा शुरू की और एक ऐसा सौदा तय किया जिसमें उन्हें एक अभिनेता और एक लेखक दोनों के रूप में शामिल किया गया, एक पटकथा का मसौदा जिसमें उन्हें एक महीने के भीतर जमा करना अनुबंध के तहत बाध्य था। उन्होंने ऐसा किया और मुख्य फोटोग्राफी के आधे रास्ते तक अपने मसौदे को चमकाना जारी रखा। नवंबर 2006 में द 13th of June 2008 को रिलीज की तारीख तय की गई। लेट्रिया ने स्वीकार किया कि दोनों फिल्मों के बीच एकमात्र समानता ब्रूस का दक्षिण अमेरिका में छिपना था। लेट्रिया को लगा कि दर्शक एंगली की फिल्म में इस किरदार के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फीज ने टिप्पणी की, हम मूल कहानी को फिर से नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हमें लगा कि लोग इससे बहुत परिचित हैं, यही वजह है कि हमने उसे नहीं बताया। इनक्रेडिबल हल्क बनाने का एक कारण हल्क को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स कैनन में शामिल कराना था। फिल्म का अंत कोलंबिया विश्वविद्यालय में होता है और लेट्रिया इसे पीटर पार्कर के संदर्भ में एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी नाम देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि सोनी पिक्चर्स स्पाइडरमैन के फिल्म अधिकारों को नियंत्रित करता है। द इनक्रेडिबल हल्क की रिलीज के तुरंत बाद गेल एनीहड ने एंग ली की हल्क फिल्म के साथ इसके संबंधों की अनिश्चितता पर टिप्पणी की। हम यह नहीं समझ पाए कि इसे कैसे नाम दिया जाए, ये एक तरह का रीबूट है और यह एक तरह का सीक्वल है। हड ने कहा कि रीक्वल, रीबूट और सीक्वल का एक संयोजन फिल्म के लिए एक सही विवरण था। नॉर्टन ने ली की मूल कहानी को नजरअंदाज करने के अपने फैसले को समझाया, मुझे मूल कहानी वाक्यांश भी पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि महान साहित्य और महान फिल्मों में कहानी की जड़ों को समझाने का मतलब यह नहीं है कि ये शुरुआत में आती है, दर्शक इस कहानी को जानते हैं, उन्होंने कहा, इसलिए इसे कलात्मक रूप से पेश करें। वह तीसरे अधिनियम में भी इस बारे में रहस्योद्घाटन करना चाहते थे कि इस पूरी चीज को गति किसने दी। नॉर्टन ने रिक जोन्स को हटा दिया और शील्ड की मौजूदगी को कम कर दिया। उन्होंने वह दृश्य भी जोड़ा जिसमें बैनर एक फूल से इलाज निकालने का प्रयास करता है और सैमुअल स्टर्न के साथ उसका ईमेल जिसमें ब्रूस जोन्स की कहानी का संदर्भ है। नॉर्टन ने हर दिन दृश्यों को फिर से लिखा। अंततः राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने पूरी तरह से पेन को स्क्रिप्ट का श्रेय देने का फैसला किया, जिन्होंने तर्क दिया कि नॉर्टन ने अपनी स्क्रिप्ट में नाटकीय रूप से बदलाव नहीं किया था। पत्रकार एनी थॉम्पसन ने समझाया, गिल्ड संवाद की तुलना में कथानक संरचना और पहले से मौजूद पात्रों को तरजीह देता है। पेन ने 2008 में कहा, मैं कॉमिक कॉन में आने वाले नॉर्टन से खुश नहीं था कि उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। पेन या नॉर्टन के प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले एक अनाम पटकथा लेखक ने एक मसौदा लिखा और श्रेय के लिए पैरवी की। फिल्मांकन। लेट्रिया को टूटे पैर के साथ 4 इकाइयों का निर्देशन करना पड़ा। फिल्मांकन द 9th ऑफ जुलाई 2007 को शुरू हुआ। शूटिंग मुख्य रूप से टोरंटो में हुई क्योंकि मेयर डेविड मिलर हल्क के प्रशंसक हैं और उन्होंने हल्क और ब्लोंस्की की चरम लड़ाई को शूट करने के लिए सितंबर में 4 रातों के लिए योन स्ट्रीट को बंद करने के दौरान क्रू को बहुत मदद करने का वादा किया था।
विस्फोटकों और पलटे हुए जलते वाहनों से सड़क को गंदा करने के बावजूद क्रू ने इसे 20 मिनट के भीतर साफ कर दिया ताकि हर दिन सामान्य रूप से कारोबार जारी रह सके। पहला एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया कल्वर विश्वविद्यालय की लड़ाई थी, जिसे टोरंटो विश्वविद्यालय और मॉर्निंगसाइड पार्क में फिल्माया गया था। फिल्म निर्माताओं ने विश्वविद्यालय के एक पैदल मार्ग पर एक कांच की दीवार बनाई, जब सैनिक बैनर को बाहर निकालने के लिए उसे अंदर फंसाते हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में भी शूटिंग हुई। हैमिल्टन, ओंटारियो क्रू ने हैमिल्टन के एक बैकलॉट में हल्क और ब्लोंस्की की लड़ाई का कुछ हिस्सा भी शूट किया। अन्य कनाडा स्थानों में सीएफबी ट्रेंटन और ब्रिटिश कोलंबिया के बेलाकुला में एक ग्लेशियर शामिल थे। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर में एक सप्ताह और रियो डी जेनेरियो में दो सप्ताह तक शूटिंग हुई। वहां रहते हुए क्रू ने रोसिन्हा, लापा, तिजुका वन और सांता टेरेसा में शूटिंग की। 88 दिनों की फिल्मांकन के बाद नवंबर में फिल्मांकन समाप्त हुआ। द इनक्रेडिबल हल्क टोरंटो की ग्रीन स्क्रीन पहल में शामिल हुआ ताकि फिल्मांकन के दौरान कार्बन उत्सर्जन और कचरे को कम करने में मदद मिल सके। निर्माता गेल एनी हड ने स्वीकार किया कि हल्क का हरा होना एक लोकप्रिय पर्यावरणीय सादृश्य था। निर्माण विभाग ने सेट के लिए लुवान के बजाय स्थानीय रूप से प्राप्त पीले पाइन की लकड़ी का उपयोग किया और शून्य या कम वीओसी पेंट का भी उपयोग किया। लकड़ी को आमतौर पर रिसाइकल किया जाता था या पर्यावरण संगठनों को दिया जाता था और पेंट के डिब्बे अपशिष्ट प्रबंधन को सौंप दिए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने कपड़े के थैले, बायोडिग्रेडेबल खाद्य कंटेनर, चीनी मिट्टी के बर्तन और चांदी के बर्तन, प्रत्येक प्रोडक्शन क्रू सदस्य के लिए एक स्टेनलेस स्टील मग, एक ठेकेदार जो ट्रेलरों और प्रोडक्शन ऑफिस में डिब्बे, रिसाइकल किए गए कागज, बायोडिग्रेडेबल साबुन और क्लीनर हटाता था और साउंड डिपार्टमेंट ने रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग किया। इनक्रेडिबल हल्क पर्यावरण मीडिया एसोसिएशन की ग्रीन सील प्राप्त करने वाली पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई, जिसे अंतिम क्रेडिट के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग 70 मिनट के फुटेज जो ज्यादातर मूल से संबंधित थे फाइनल कट में शामिल नहीं किए गए थे। इस बैक स्टोरी का अधिकांश हिस्सा अनस्क्रिप्टेड था और फिल्म निर्माता इसे फाइनल कट में शामिल करने के बारे में कभी सुनिश्चित नहीं थे और इनमें से कुछ क्लिप्स को इंटरनेट पर जारी करने पर विचार किया था। संपादक काइल कूपर मार्वल लोगो फ्लिपिंग पेजों के साथ के निर्माता और उस फिल्म में आयरन मैन की जीवनी का विवरण देने वाले मोन्टाज ने इस फुटेज के अधिकांश हिस्से को ओपनिंग क्रेडिट में संपादित किया। लेट्रिया ने एक नेगेटिव टेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में बताया, जहां फिल्म में फ्लैशबैक रखे गए थे जो दर्शकों को हल्क के बहुत समान लगे, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें फिल्म की शुरुआत में संपीड़ित किया गया था। इसने मूल शुरुआत को बदल दिया जहां बैनर आत्महत्या करने के लिए आर्कटिक में आता है। एसोसिएट प्रोड्यूसर स्टीफन ब्रूसार्ड ने कहा कि यह दृश्य वाकई कारगर रहा, लेकिन टेस्ट ऑडियंस की इस तरह की शुरुआत के प्रति नापसंदगी को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने नियोजित शुरुआत से आगे बढ़ने का फैसला किया और इसके बजाय ब्रूस के मूल की कहानी बताने के बाद ब्राजील में रहने के साथ फिल्म की शुरुआत की। नॉर्टन और लेट्रियर ने अंतिम चलने के समय को लेकर निर्माताओं के साथ विवाद किया। वे इसे 135 मिनट के करीब रखना चाहते थे, जबकि निर्माता चाहते थे कि फिल्म 2 घंटे से कम की हो। इसे सार्वजनिक किया गया और अफवाहें फैली कि नॉर्टन ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर वह अंतिम उत्पाद से खुश नहीं है तो वह प्रचार योजनाओं में सहयोग नहीं करेंगे। नॉर्टन ने इसे खारिज कर दिया। हमारी स्वस्थ प्रक्रिया सहयोग की, जो एक निजी मामला है और होना चाहिए, को सार्वजनिक रूप से विवाद के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। एक अच्छी कहानी की तलाश कर रहे लोगों द्वारा इसका लाभ उठाया गया और इसे इस हद तक विकृत किया गया है कि यह फिल्म से ही ध्यान भटकाने का जोखिम उठाता है, जिसे मार्वल, यूनिवर्सल और मैं होने नहीं देना चाहते। ये हमेशा से मेरा दृढ़ विश्वास रहा है कि फिल्मों को खुद के लिए बोलना चाहिए और यह जानना कि वे कैसे बनाई जाती हैं, उन्हें देखने का जादू कम कर देता है। दृश्य प्रभाव लेट्रिया ने अपने लक्ष्य के मानक के रूप में क्रमशः द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और किंग कांग में एंडी सर्किस के गोलम और किंग कांग के मोशन कैप्चर चित्रण का हवाला दिया। नॉर्टन और रोथ ने राक्षसों द्वारा की जाने वाली विभिन्न हरकतों जैसे हल्क की थंडर क्लैप्स के 2500 टेक फिल्माए। अभिनेताओं के चेहरों पर लगाया गया फॉस्फोरसेंट फेस पेंट और स्ट्रोब लाइटिंग कंप्यूटर में सबसे सूक्ष्म तौर तरीकों को रिकॉर्ड करने में मदद करेगी। सिरिल राफेली सहित अन्य ने मुख्य अभिनेताओं द्वारा वीडियो रेफरेंसिंग करने के बाद स्टंट और झगड़ों के लिए मोशन कैप्चर प्रदान किया। लेट्रिया ने CGI प्रदान करने के लिए रिदम एंड ह्यूज को काम पर रखा, न कि इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक को, जिन्होंने एंगली के हल्क के लिए दृश्य प्रभाव बनाए थे। विजुअल इफेक्ट्स कंपनी इमेज इंजन ने एक शॉट पर काम करते हुए 1 साल से अधिक समय बिताया, जिसमें बैनर का गामा विकिरणित रक्त 3 फैक्ट्री फ्लोर से एक बोतल में गिरता है। कुल मिलाकर 700 इफेक्ट शॉट बनाए गए। मोशन कैप्चर ने आंदोलनों की जगह और समय में सहायता की, लेकिन रिदम और ह्यूज द्वारा समग्र की फ्रेम एनिमेशन ने आवश्यक चालाकी और सुपरहीरो गुणवत्ता प्रदान की। कई एनिमेटरों और लेट्रियर ने खुद क्लाइमेक्टिक लड़ाई के लिए वीडियो संदर्भ प्रदान किए। हल्क की डेल कीवन की कॉमिक बुक कलाकृति उनके डिजाइन के लिए एक प्रेरणा थी। लेट्रिया को लगा कि पहले हल्क में बहुत अधिक चर्बी थी और अनुपात थोड़ा गड़बड़ था।
उन्होंने समझाया, हल्क एकदम सही है, इसलिए इसमें शून्य ग्राम चर्बी है। सब तराशा हुआ है। चरित्र के लिए 9 फीट की ऊंचाई चुनी गई क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह बहुत अमानवीय लगे। उसे अधिक अभिव्यंजक बनाने के लिए उसकी मांसपेशियों की सूजन और त्वचा के रंग की संतृप्ति को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे। विलियम्स ने मनुष्यों की त्वचा के रंग को उनकी भावनाओं से प्रभावित होने के उदाहरण के रूप में फ्लशिंग का हवाला दिया। एनिमेटरों को लगा कि हरा खून उसकी त्वचा को हल्का करने के बजाय गहरा कर देगा और उसकी त्वचा की टोन प्रकाश के आधार पर या तो एक जैतून या यहां तक कि ग्रेसलेट जैसी दिखती है। उनके एनिमेशन मॉडल को प्रभाव कंपनी की पूरी जानकारी के बिना पूरा किया गया था कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता होगी। उन्हें वह करने के लिए तैयार किया गया था जो वे कल्पना करते हैं अगर मॉडल को एवेंजर्स फिल्म के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हल्क के मध्यम लंबाई के बाल माइक देवदत्तों की कला के अनुरूप बनाए गए थे। लेट्रियर ने बैनर के परिवर्तन की प्रेरणा के रूप में लंदन में एक अमेरिकी वेयरवुल्फ का हवाला दिया। ये दिखाना चाहते थे कि उसके लिए बदलना कितना दर्दनाक था। लाइव एक्शन टीवी श्रृंखला के लिए एक इशारे के रूप में बैनर की आंखें सबसे पहले रंग बदलती हैं जब वह रूपांतरित होता है। लेट्रियर ने कॉमिक्स से एबोमिनेशन के डिजाइन को बदल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि दर्शक सवाल करेंगे कि वह हल्क की तरह एक उबेर मानव के बजाय मछली या सरीसृप जैसा क्यों दिखता है। इसके बजाय उसकी घिनौनीता उसकी त्वचा मांसपेशियों और हड्डियों में कई बार इंजेक्शन लगाए जाने से उत्पन्न हुई है जिससे एक ऐसा प्राणी बना है जिसमें एक उभरी हुई रीढ़ और तेज हड्डियां हैं जिनका उपयोग वह छुरा घोंपने के लिए कर सकता है। उसकी हरी त्वचा पीली है और प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है इसलिए ये चरमोत्कर्ष लड़ाई के दौरान चारों ओर आग के कारण नारंगी दिखाई देती है। लेट्रियर ने चरित्र के नुकीले कानों पर काम करने की कोशिश की लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि हल्क उन्हें काट देगा। माइक टायसन का उदाहरण लेते हुए जब उसने इवांडर होलीफील्ड से लड़ाई की थी और उन्हें लगा कि इसे अनदेखा करने से हल्क बेवकूफ लगेगा। लेट्रियर ने प्रोस्थेटिक मेकअप और एनिमेट्रॉनिक्स का उपयोग करने की योजना बनाई थी ताकि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का पूरक हो सके जो पूरी तरह से पिछली फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। एक्समैन द लास्ट स्टैंड पर काम करने वाले मेकअप कलाकारों को ब्लोंस्की के क्रमिक परिवर्तन को चित्रित करना था जिसके बारे में जैक पेन ने कहा कि वह ब्लोंस्की को इन गुणों के अभ्यस्त नहीं होने के रूप में चित्रित करेंगे। जैसे वह बहुत भारी है और हमने बात की कि कैसे जब वह फुटपाथ पर चलता है तो उसका वजन फुटपाथ को नष्ट कर देता है और वह लड़खड़ा जाता है। ये सब इस तरह के सुपरहीरो पात्रों के मानवीकरण के बारे में है जो दिखाता है कि भौतिकी वास्तव में उन पर क्या प्रभाव डाल सकती है। एमलगमेटेड डायनेमिक्स के टॉम वुडरू जूनियर जिन्होंने एलियन 3 के बाद से एलियन फिल्मों के लिए सभी पोशाकें बनाई, एक पूर्ण एनिमेट्रोनिक कभी नहीं बनाया गया था क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि कठपुतली और फिर कंप्यूटर ग्राफिक के लिए शॉट सेट करना उत्पादन को जटिल करेगा। हालांकि स्टर्न के उत्परिवर्तित सिर के लिए एक एनिमेट्रोनिक का उपयोग किया गया था। विनाश ज्यादातर व्यवहारिक रूप से किया गया था। जब हल्क कारखाने से भागता है तो एक बॉटलिंग मशीन का मॉडल दीवार के माध्यम से तोड़ दिया गया था। फिल्म निर्माताओं ने हल्क को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस के लिए भाप और सूखी बर्फ का इस्तेमाल किया और उन्होंने कलवर विश्वविद्यालय की लड़ाई की शूटिंग के दौरान एक असली हम्वी पर वजन गिराकर उसे नष्ट कर दिया। जब हल्क कंप्यूटर जनरेटेड हेलीकॉप्टर पर हमला करता है तो पाइप से आग निकलती है। जब बैनर हल्क को एबोमिनेशन से लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हेलीकॉप्टर से गिरता है तो नॉर्टन एक सतह पर एक बार द्वारा बंधा होता है जो 90 डिग्री घूमता है जबकि कैमरे को गिरने का अनुकरण करने के लिए छत पर खींचा जाता है। लेट्रियर ने मजाक में टिप्पणी की कि नॉर्टन को उस दूरी तक गिराने से जाहिर तौर पर वह अभिनय करने में असमर्थ हो जाएगा। संगीत फिल्म का स्कोर क्रेग आर्मस्ट्रांग ने तैयार किया था जो मैसिव अटैक के अरेंजर थे, एक बैंड जिसे लेट्रियर पसंद करते थे और जिसके साथ उन्होंने 2005 की फिल्म अनलीशेड में सहयोग किया था। आर्मस्ट्रांग उनकी पहली पसंद थे जिसने मार्वल को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कोई एक्शन फिल्म बनाई है। उन्होंने 2001 की किस ऑफ द ड्रैगन की रचना की थी। लेट्रियर के सुझाव पर साउंडट्रैक को 2 डिस्क एल्बम में रिलीज किया गया था जिसे आर्मस्ट्रांग ने तब तक एक मजाक समझा जब तक उन्होंने एल्बम को संकलित नहीं किया और मार्वल ने उनसे पूछा कि उन्हें केवल 1 डिस्क क्यों दी गई। फिल्म का स्कोर 1978 की इनक्रेडिबल हल्क टेलीविजन श्रृंखला से जो होनल की थीम द लोनली मैन उधार लेता है। मार्केटिंग हम जानते हैं कि 2003 का हल्क प्रशंसकों को संतुष्ट नहीं कर पाया और हमें ये स्वीकार करना पड़ा। हमने इस बात पर जोर दिया कि प्रशंसकों में अभी भी इस किरदार के लिए जो जुनून है वह ये है कि यह वह फिल्म है जिसे लोग हमेशा से चाहते थे। स्टेफनी स्पर्बर यूनिवर्सल स्टूडियो पार्टनरशिप की कार्यकारी उपाध्यक्ष, कहानी को रोमांस और एक शारीरिक विरोधी के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया गया था और शीर्षक का उपयोग प्रचारात्मक चुटकुलों जैसे 7-11 के इनक्रेडिबल गल्प स्लर्पीज और केमार्ट पर इनक्रेडिबल डेथ थीम वाले फादर्स डे उपहार के लिए किया गया था। बर्गर किंग ने भी फिल्म का प्रचार किया और जनरल न्यूट्रिशन सेंटर ने शीर्षक चरित्र को शक्ति प्रशिक्षण के लिए एक रोल मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया। हैस्ब्रो ने टॉय लाइन बनाई जिसे उन्होंने द 3rd of May 2008 को रिलीज किया।
सेगा ने 5 जून 2008 को दो टाई इन वीडियो गेम रिलीज किए, कंसोल और पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक संस्करण एज ऑफ रियलिटी द्वारा विकसित किया गया था, जबकि निंटेंडो डीएस के लिए एक हैंडहेल्ड संस्करण अमेज एंटरटेनमेंट द्वारा विकसित किया गया था। इस फिल्म का प्रचार 9 जून 2008 को अमेरिकन ग्लैडिएटर्स के एक एपिसोड में किया गया था, जिसे हल्क होगन ने होस्ट किया था और इसमें लू फेरिग्नो शामिल थे। नॉर्टन और लेट्रियर के बीच संपादन विवाद के बाद यूनिवर्सल के एडम फोगलसन और नॉर्टन ने एक प्रचार दौरे की योजना बनाई, जो लगातार मीडिया साक्षात्कारों और इसलिए असहज सवालों से बचता। नॉर्टन प्रीमियर में शामिल हुए, जिमी किमेल लाइव स्केच में हिस्सा लिया और जापान में फिल्म का प्रचार भी किया। हालांकि फिल्म की रिलीज के दौरान उन्होंने अफ्रीका में चैरिटी का काम करना चुना। रिलीज थिएट्रिकल द इनक्रेडिबल हल्क का प्रीमियर 8 जून 2008 को कैलिफोर्निया के यूनिवर्सल सिटी में गिब्सन एम्फीथिएटर में हुआ था और इसे 13 जून को यूनाइटेड स्टेट्स के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां इसे 3,505 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। यह फिल्म एमसीयू के पहले चरण का हिस्सा है। मार्वल स्टूडियोज की 10 साल की सालगिरह आईमैक्स फेस्टिवल के हिस्से के रूप में 30 अगस्त 2018 को पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क को आईमैक्स में फॉर्मेट और स्क्रीन किया गया था। होम मीडिया द इनक्रेडिबल हल्क को यूनिवर्सल स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट द्वारा 21 अक्टूबर 2008 को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था। इसमें पर्दे के पीछे के फीचर, ऑडियो कमेंट्री, हटाए गए दृश्य और एक वैकल्पिक शुरुआत शामिल है। फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स फेज 1 एवेंजर्स असेंबल नामक 10 डिस्क बॉक्स सेट में भी एकत्र किया गया था, जिसमें मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की सभी फेज 1 फिल्में शामिल हैं। इसे 2 अप्रैल 2013 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज किया गया था। यूनिवर्सल ने 10 अप्रैल 2018 को अल्ट्रा एचडी ब्लू रे पर फिल्म रिलीज की। यूनिवर्सल से मार्वल स्टूडियो और डिज्नी को फिल्म के वितरण अधिकार वापस मिलने के बाद द इनक्रेडिबल हल्क ने 16 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग शुरू की। स्वागत बॉक्स ऑफिस द इनक्रेडिबल हल्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $134.80 मिलियन की कमाई की, साथ ही अन्य क्षेत्रों से $128.60 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $263.40 मिलियन की कमाई हुई। यह फिल्म भले ही अपनी पिछली फिल्म से बमुश्किल आगे निकल पाई और पहली फिल्म के छोटे बजट को ध्यान में रखते हुए केवल उसके बराबर ही रही, फिर भी इसे मध्यम रूप से सफल माना गया। मनोरंजन विश्लेषक डेविड डेविस ने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया, एनबीसी यूनिवर्सल विलय के बाद पहली हल्क से बहुत उम्मीदें थी और इसे आलोचकों की पसंदीदा एंग ली की ब्रेकआउट कमर्शियल ब्लॉकबस्टर माना जा रहा था। फिर नई हल्क फिल्म के साथ मार्वल इस गर्मी में आयरन मैन की बड़ी सफलता के बाद सफलता के महत्व को कम आंकने में सक्षम था, इसलिए नई फिल्म ने अपने कम वादे के सापेक्ष अधिक प्रदर्शन किया। द इनक्रेडिबल हल्क ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $55.40 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष फिल्म बन गई। फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सफर के बाद यह फादर्स डे वीकेंड पर रिलीज हुई किसी फिल्म की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2003 की फिल्म को मिली निराशाजनक प्रतिक्रिया के बाद इसने $45 मिलियन की ओपनिंग की उद्योग की उम्मीदों को पार कर लिया। यूनिवर्सल का मानना था कि मुंह से की गई बातें फिल्म को अंततः नुकसान में डालने में योगदान देंगी। इनक्रेडिबल हल्क ने 38 अन्य देशों में भी ओपनिंग की, जिससे कुल ओपनिंग में $31 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। फिल्म ने दक्षिण कोरिया में 2003 की फिल्म से अधिक कमाई की, जबकि मेक्सिको और रूस में इसकी ओपनिंग ने यूनिवर्सल के लिए रिकॉर्ड बनाए। द 26th ऑफ अगस्त को अपनी चीनी ओपनिंग में फिल्म ने 24 मिलियन युआन लगभग $3.40 मिलियन की कमाई की, जो पिछली फिल्म की कुल कमाई 10 मिलियन युआन से अधिक थी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टोमेटोज ने 239 समीक्षाओं के आधार पर 6.2/10 के औसत स्कोर के साथ 67% की स्वीकृति रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, द इनक्रेडिबल हल्क शायद उतनी बड़ी सफलता न हो जितनी मार्वल के उग्र राक्षस के प्रशंसक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह अपनी कभी कभी छोटी कथा के लिए पर्याप्त बड़ी हरी कार्रवाई प्रदान करता है। मेटाक्रिटिक ने 38 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 61 का औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A- का औसत ग्रेड दिया। वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने कहा, सैद्धांतिक रूप से एक बड़े पर्दे के सुपरहीरो का सबसे कम आवश्यक पुनरुद्धार द इनक्रेडिबल हल्क में पूरी तरह से ठोस ग्रीष्मकालीन एक्शन किराया के रूप में उभरता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पूरी तरह से सामान्य सिनेमाई विध्वंस और विनाश है, जिसे कुशलतापूर्वक और थोड़े उत्साह के साथ मंचित किया गया है और छिटपुट बुद्धि के साथ लिखा गया है। दृश्य अंधेरे और धुंधलेपन की ओर झुके हुए हैं, लेकिन 3 वास्तव में 6 हाथों द्वारा किया गया संपादन तेज है और क्रेग आर्मस्ट्रांग का सदाबहार स्कोर एक साथ आडंबरपूर्ण और एक्शन का मददगार रूप से समर्थन करने वाला है। प्रभाव फिल्म की आमतौर पर पेशेवर लेकिन प्रेरित उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है।
द मियामी हेरल्ड के रेने रोड्रिग्स ने सराहना की कि फिल्म बहुत सी चीजें करती है जो एन ली की हल्क नहीं करती थी। ये हल्की और तेज गति वाली है, यह मजेदार है। सिएटल टाइम्स के मार्क रहनर ने लिखा कि मार्वल के ग्रीन गोलियत का पुनः लॉन्च निर्देशक एन ली की भारी भरकम 2003 हल्क की तुलना में लगभग हर तरह से बेहतर है, सिवाय इसके कि वास्तविक हल्क अभी भी किसी वीडियो गेम से बेहतर नहीं दिखता है और वह अभी भी मुश्किल से बोलता है। रोजर एबर्ट फिल्म के प्रशंसक नहीं थे, उन्होंने कहा, द इनक्रेडिबल हल्क निस्संदेह हल्क गाथा का एक आदर्श संस्करण है, उन लोगों के लिए जिन्हें एंग ली का हल्क बहुत बातूनी या मैं कहूँ तो बहुत विचारशील लगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये हल्कदम के पेचीदा पहलुओं को दरकिनार कर देता है और बहुत अधिक समय मैं कहूँ तो शोरगुल और विचारहीन एक्शन दृश्यों में बिताता है। इसके विपरीत एसोसिएटेड प्रेस की क्रिस्टी लेमायर ने पाया कि इस गर्मी में मार्वल स्टूडियोज की पहली ब्लॉकबस्टर आयरन मैन से अपरिहार्य तुलना इस बात की स्पष्ट याद दिलाती है कि इस हल्क में क्या कमी है, बुद्धि और दिल। एडवर्ड नॉर्टन की उपस्थिति के बावजूद, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरह ही गहराई तक जाने में सक्षम अभिनेता हैं, हम ब्रूस बैनर के आंतरिक संघर्ष की मजबूत भावना महसूस नहीं करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओ स्कॉट ने कहा, द एडेक्यूएट हल्क एक अधिक उपयुक्त शीर्षक होता। कुछ बड़ी दमदार लड़ाइयां और पॉप सांस्कृतिक बुद्धि के कुछ उज्ज्वल टुकड़े हैं, लेकिन अधिकांश भाग के लिए यह फिल्म सामान्य अर्थ के लिए लक्ष्य करने में संतुष्ट लगती है। न्यूज़वीक के डेविड एनसेन ने लिखा, लेट्रियम में स्टाइल है, वह एक्शन में अच्छा है और वह दर्शकों को पैसे के लायक हड्डी कुचलने वाली लड़ाइयां दिखाने के लिए उत्सुक है। फिर भी एक बार जब फिल्म वायुमंडलीय ब्राजीलियाई सेटिंग्स को छोड़ देती है तो इस हल्क में कुछ भी गहराई से नहीं उतरता है, इसकी परिचित शैली के सुख सभी सतह पर है। फिल्म के दृश्य चुराने वाले टिम ब्लेक नेल्सन है, जो अनैतिक लेकिन पागल उत्साही वैज्ञानिक सैमुअल स्टर्न के रूप में तीसरे एक्ट में हास्यपूर्ण रूप से स्वागत योग्य उपस्थिति बनाते हैं। भविष्य एमसीयू में आगे की प्रस्तुतियां। मार्क रफालो नॉर्टन को कास्ट करने से पहले लेट्रिया की पहली पसंद ने द एवेंजर्स 2012 से शुरू होने वाले एमसीयू में बैनर हल्क के रूप में नॉर्टन की जगह ली, जब फीज ने कहा कि उन्होंने नॉर्टन को वापस नहीं लाने का फैसला किया है। अक्टूबर 2014 में नॉर्टन ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी हल्क की भूमिका नहीं निभाने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने करियर में अधिक विविधता चाहते थे और केवल एक ही किरदार के साथ जुड़े नहीं रहना चाहते थे। रफालो ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, थॉर रग्नारोक 2017, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंडगेम 2019 में भी किरदार निभाया। रफालो ने कहा कि बैनर को रग्नारोक, इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम में अधिक प्रमुख भूमिका निभाने का मौका मिला क्योंकि एक स्टैंडअलोन हल्क फिल्म की कमी थी, उन फिल्मों में चरित्र का आर्क हल्क फिल्म की तरह महसूस होता है। रफालो ने आयरन मैन 3, 2013, कैप्टन मार्वल 2019 और शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021 के क्रेडिट दृश्यों में भी उपस्थिति दर्ज कराई। हट ने पहली बार कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में थेडियस रॉस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। रफालो और रोथ दोनों ने डिज्नी प्लस सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। रोथ ने शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में एबोमिनेशन के लिए बिना श्रेय के स्वर भी दिए। नेल्सन और टाइलर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 में सैमुअल स्टंस लीडर और बेटी रॉस के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं, जबकि हैरिस फोर्ड को 2022 में हट की मौत के बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स 2024 में थेडियस रॉस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। संभावित सीक्वल मार्च 2008 में नॉर्टन ने कहा कि फिल्म से बहुत कुछ छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे कई भागों के रूप में देखा गया था, इस फिल्म को अध्याय एक के रूप में इरादा किया गया था। लेट्रियर ने बैनर के फिल्म के अंतिम शॉट को अस्पष्ट बना दिया, सोचा कि अगर कोई सीक्वल होता तो इसका मतलब होता कि बैनर आखिरकार अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता, अगर कोई सीक्वल नहीं होता तो शॉट ने इसके बजाय संकेत दिया कि वह एवेंजर्स में एक खतरा बन जाता है। लेट्रियर ने क्रेडिट में एक दृश्य के लिए भी इरादा किया था जिसमें ब्लॉन्स्की को एक बार फिर मानव के रूप में एक बॉक्स में कैद और जंजीरों में दिखाया गया था। फीगे को मूल रूप से ये विचार था कि चरित्र को एक स्टील की तिजोरी में बंद कर दिया जाएगा जिसे समुद्र के तल में डुबो दिया गया होगा। सैमुअल स्टर्न का चरित्र जिसे टिम ब्लेक नेल्सन ने निभाया है उसे एक संभावित भविष्य की फिल्म में खलनायक के रूप में स्थापित करने के लिए पेश किया गया था जहां वह लीडर बन जाएगा। द इनक्रेडिबल हल्क के प्रमुख डिजाइनर आरोन सिम्स ने भी लीडर के लिए अवधारणाओं पर काम करने के लिए समय निकाला। टाई बुरेल भी डॉग सैमसन को कॉमिक्स में दिखाई देने वाले रूप में अधिक ईमानदारी से चित्रित करने में रुचि रखते थे। लेट्रियर और रोथ को मूल रूप से वापसी के लिए अनुबंधित किया गया था। लेट्रिया ने यह भी कहा कि नॉर्टन को साइन नहीं किया गया था। फीज ने कहा कि फिल्म मार्वल की उम्मीदों पर खरी उतरी और हल्क की वापसी होगी, लेकिन एवेंजर्स के बाद हट को इस बात की चिंता नहीं थी कि सीक्वल का निर्माण कम से कम 2012 तक नहीं हो सकता है। उन्होंने फिल्म के सकारात्मक स्वागत और टर्मिनेटर श्रृंखला का निर्माण करने का हवाला दिया जिसकी दूसरी और तीसरी फिल्म के निर्माण में 12 साल का अंतर था।
लेट्रिया ने पहले कहा था कि वह सीक्वल का निर्देशन नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने 2009 के अंत में कहा कि उन्होंने अपना विचार बदल दिया है और अब वे इसके लिए तैयार हैं। अप्रैल 2012 में सीक्वल में हल्क की भूमिका निभाने के लिए रफालो के सहमत होने के बावजूद फीगे ने पुष्टि की कि मार्वल के पास उस समय एक और हल्क फिल्म बनाने की कोई योजना नहीं थी। एक प्रश्नोत्तर सत्र में फीगे और रफालो ने पुष्टि की कि द एवेंजर्स में रफालो के प्रदर्शन के लिए दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक और हल्क फिल्म बनाने के लिए चर्चा चल रही थी। सितंबर में फीगे ने प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क कहानियों पर आधारित फिल्म सहित सीक्वल फिल्म के लिए सभी संभावित कहानी विकल्पों की खोज करते हुए कहा कि कॉमिक्स की सभी कहानियां टेबल पर हैं और यह चरित्र एक फिल्म को आगे बढ़ा सकता है और उतना ही मनोरंजक हो सकता है जितना वह एवेंजर्स में था। उन्होंने कहा कि मार्वल स्टूडियोज एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद तक सीक्वल पर विचार नहीं करेगा। जून 2014 में रफालो ने कहा कि उनका मानना है कि स्टूडियो एक नई स्टैंडलोन हल्क फिल्म बनाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे पहली बार इस विचार पर विचार कर रहे हैं। जब हमने एवेंजर्स किया था तो यह मूल रूप से नहीं था और अब इस पर कुछ विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ निश्चित नहीं है, यहां तक कि इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी नहीं है। जुलाई में फीगे ने कहा कि स्टूडियो समय प्लेनेट हल्क फिल्म पर विचार नहीं कर रहा था क्योंकि वह फिल्म में रफालो के बैनर को दिखाना चाहता था। हालांकि उन्होंने एक ऐसी कहानी को खारिज नहीं किया जिसमें हल्क और बैनर अंतरिक्ष में चले गए और बताया कि एमसीयू के दूसरे चरण में हल्क की एकल फिल्म क्यों नहीं बनी, ये कहकर कि स्टूडियो एवेंजर्स की सिर्फ फिल्मों के लिए मूल एवेंजर्स पात्रों में से एक को बचाना चाहता था, अन्य अपनी एकल फिल्मों आयरन मैन थॉर और कैप्टन अमेरिका या अन्य की फिल्मों कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ब्लैक विडो और निक फ्यूरी में दिखाई दे रहे थे। अक्टूबर में फिर से एक एकल फिल्म पर फीज ने कहा, हम देखेंगे, हम इसे करना पसंद करेंगे, हम इसे रखने के लिए जगह ढूंढना पसंद करेंगे, लेकिन यह चरित्र तीसरे चरण में अन्य पात्रों की फिल्मों में दिखाई देगा। अगस्त 2022 में रफालो ने कहा वह प्लेनेट हल्क या वर्ल्ड वॉर हल्क के और अधिक रूपांतरण के लिए भी तैयार थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रशंसक इसे देखने की उम्मीद कर रहे थे। अप्रैल 2015 में रफालो ने कहा कि यूनिवर्सल के पास हल्क फिल्मों के वितरण अधिकार होने से भविष्य में हल्क स्टैंडलोन फिल्म रिलीज करने में बाधा आ सकती है और बाद में अक्टूबर और जुलाई 2017 में इसे दोहराया। मार्वल ने फरवरी 2006 से चरित्र के लिए फिल्म निर्माण अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए, लेकिन यूनिवर्सल ने द इनक्रेडिबल हल्क के वितरण अधिकारों के साथ साथ भविष्य में मार्वल द्वारा निर्मित हल्क फिल्मों में से प्रत्येक के वितरण अधिकारों को लेने से पहले इनकार करने का अधिकार बरकरार रखा। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार मार्वल ने हल्क के फिल्म वितरण अधिकारों को फिर से हासिल नहीं किया, जैसा कि उन्होंने आयरन मैन थॉर और कैप्टन अमेरिका फिल्मों के लिए पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ किया था। दिसंबर में रफालो ने कहा कि मार्वल और यूनिवर्सल के बीच तनावपूर्ण संबंध भविष्य की स्टैंडलोन हल्क फिल्म को रिलीज करने में एक और बाधा हो सकती है। एमसीयू के निर्देशक जेम्स गन ने हल्क और रेड हल्क दोनों को लेकर एक फिल्म करने में रुचि व्यक्त की, लेकिन यूनिवर्सल के साथ संघर्ष के कारण परियोजना कभी विकास में नहीं आई। अगस्त 2022 तक रिपोर्टों का मानना था कि ये संभव है कि मार्वल स्टूडियोज 2023 में यूनिवर्सल से चरित्र के वितरण अधिकारों को फिर से हासिल कर ले। यह मार्वल एंटरटेनमेंट की ओर से अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की फाइलिंग के कारण था, जिसमें संकेत दिया गया था कि यूनिवर्सल ने द इनक्रेडिबल हल्क को उन्हीं शर्तों के तहत वितरित करने पर सहमति व्यक्त की थी जिन पर मार्वल ने पैरामाउंट के साथ सहमति व्यक्त की थी, जिसके पास इसकी पहली रिलीज से 15 साल के लिए वितरण अधिकार थे। मार्च 2023 में सिटी ग्रुप के वित्तीय विश्लेषक जेसन बाजिनेट ने महसूस किया द इनक्रेडिबल हल्क के वितरण अधिकार द 15th जून 2023 तक मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी को वापस कर दिए गए। अगस्त 2023 में लेट्रिया ने खुलासा किया कि संभावित सीक्वल में हल्क के ग्रे हल्क व्यक्तित्व के साथ साथ कई रेड हल्क को शामिल करने पर विचार किया गया था। फरवरी 2024 में रफालो ने एक स्टैंडलोन हल्क फिल्म बनाने की संभावना पर संदेह व्यक्त किया, जिसका कारण चरित्र के लिए आवश्यक सीजीआई की लागत थी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।